You watched their episodes on CDWT, you heard their stories, you learned from their mistakes, and you also took key pointers from their strategies. We are meeting a lot of toppers these days, and now we have Roundtable with Toppers for you, wherein you get to meet all your favorite toppers together, discussing different things about examination, about life, thereafter clearing their exam, and basically what's happening right now. And today we have AIIMS Toppers Roundtable, wherein we meet Chetanya, Megha, and Ishika. इशिका से स्टार्ट करते हैं ओके तो फर्स्ट टाइम मैं चैतन्य से तो मिली थी रिजल्ट से पहले ओलंपियाड कैंप में तब हमारा आई गेस फर्स्ट प्रॉपर इंटरेक्शन था बैडमिंटन खेलना अच्छी खेलता हूँ मैं ठीक है और मेघा से मेरी पहली बार फ़ोन पे बात हुई थी इसका नंबर मुझे किसी सीनियर ने भेजा था शी वॉज द फर्स्ट गर्ल ऑफ माई बैच आई केम टू नो मेरे को तो बहुत कम पता है शायद दे रही हैं तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इशिका के बारे में मैं वही प्री रिजल्ट मिला था उससे ओ सी एस सी कैंप पे तो तब एक्चुअली ओ सी एस सी कैंप पे मिला के तीन लड़कियां थी और बारहवीं की अकेली थी तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही था कि चलो एटलीस्ट एक लड़की तो आई और उसके बाद मैंने मेघा को देखा था काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम शायद तो तब मेरे को पता नहीं था कि ये मेघ है तो तब मेरे को लगा कि अच्छा और भी लड़कियां हैं अच्छा तो मतलब बेसिकली फर्स्ट इम्प्रेशन इसी चीज़ के अराउंड सेंटर्ड थे बट बाकी मतलब ओवरऑल nice. दोनों का यही फर्स्ट इम्प्रेशन था दोनों बहुत स्वीट हैं रिक्वेस्ट वगैरह इंटरेक्शन वगैरह इशिका को तो सबसे पहले मैंने फ़ोन पे ही बात की थी तब मतलब ऑनलाइन इंटरेक्शन चलती है हमारी रिजल्ट और क्लासेस के बीच वाले पीरियड में तो मुझे बस जानना था कि उसकी इंटरेक्शन कैसी चल रही है मतलब कितना टाइम दे रही है वो उसको चैतन्य का तो मुझे ठीक से याद ही नहीं है कब पहली बार मैं सिग्निफिकेंट हूं नहीं क्लास में लड़के ज्यादा हैं हां एग्जैक्टली रेशियो ऐसा है कि शायद क्रेस्ट के टाइम पे कभी कोई ड्रामा हुआ था तब इसने कोई यू वर प्लेइंग समथिंग हां चुन्नी वॉरो की थी तब से पता लगा कि हां ही इज वन मैंने चुन्नी पहनी नहीं थी वॉरो की थी आई थिंक मेरे लिए पर्सनली तो फियर ऑफ लूजिंग मेरे मन में थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट होता है कि मेरे को ये लगता है मेरे पास ऑलरेडी जो है उसमें से कुछ खोना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा पेनफुल एज़ कम्पेयर टू मतलब ऑब्वियसली रिलेटिव क्या चीज़ मैं पा रहा हूँ उस पर भी डिपेंड करता है बट अदरवाइज़ मेरे मन में किसी चीज़ को खोने का जनरली दुख ज़्यादा रहता है वेल मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली मैंने थोड़ा सीखा है कि जॉय ऑफ गेनिंग ज़्यादा रखो मतलब अगर फियर में ही रहेंगे तो कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएंगे सो आई थिंक जॉय ऑफ गेनिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर फियर ऑफ लूजिंग मेरे लिए तो फियर ऑफ लूजिंग ही रहता है कि हाँ ये है अब ये भी चला जाएगा तो फिर फियर ऑफ लूजिंग डोमिनेट्स कंसिस्टेंसी ज़रूरी है बट और भी चीज़ें होती हैं कि यहाँ मतलब रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है बट इंटेलिजेंस और वो सब फैक्टर्स भी होते हैं कि जैसे भाविक बंसल है तो ही लाइक तो कभी कंसिस्टेंट ना भी हो वो एक दो दिन ना भी पढ़े तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको तो या कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट बट अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है अगर आपके पास कोई और फैक्टर नहीं है और आप कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर मेंटेन कर लो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप हर चीज़ के लिए कॉम्पनसेट कर सकते हो कंसिस्टेंसी से बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपके पास और बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में होने चाहिए तब जाके आप वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के बावजूद भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी है की स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरी इस टू ईयर जर्नी में शायद मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि ऐसे लगे कि वेस्ट कर दिया
तो आई थिंक यस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. Well, I wouldn't say I was an average student, मतलब especially throughout the later course of my high school and उसके बाद 11th, 12th भी, I performed fairly well, so I wasn't exactly an average student, but again, linking this to the previous question, again, someone who's considered average or below average based on his performance in school examinations, etc. मेरे को लगता है कि वो exam qualify कर सकता है अगर वो consistent है. तो मतलब वही वाली चीज़ है कि कुछ फैक्टर्स की कमी को हमेशा कंसिस्टेंसी कॉम्पनसेट कर पाएगी. तो नो डाउट कोई एवरेज या बिलो एवरेज जिसको सोसाइटी ने जैसे भी लेबल किया है वो भी एक एम्स जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को में आ सकता है. मेरे अकॉर्डिंग स्कूल टाइम में एवरेज की बड़ी सब्जेक्टिव सी डेफिनेशन होती है. वो लाइक स्कूल मार्क्स पे या इस तरह की चीज़ों पर बेस्ड हम लेबल कर देते हैं. एंड तो आई डोंट थिंक कि स्कूल में किसी को लेबल करना एवरेज या बिलो एवरेज उसकी परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई खास फ़र्क पड़ता है. मैंने कभी ज़्यादा इस बारे में सोचा ही नहीं मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ. ऐसे बस हमेशा पढ़ने पे ध्यान दिया था तो बिलो एवरेज. बट ऐसा कुछ नहीं है कि बिलो एवरेज वाले एम्स में नहीं आ सकते. मतलब हार्डवर्क वो सब कुछ होता है. एवरेज बिलो एवरेज बड़ी ऐसे सब्जेक्टिव सी डेफिनेशन है. हमारा तो रिलेशनशिप हमारी पढ़ाई से ही था. नथिंग एट ऑल. एक बहुत अच्छा दोस्त था तो ही वॉज इन अ रिलेशनशिप बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ रिलेशनशिप बट देर वॉज अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लाइकिंग. एंड आई ऑनेस्टली नेवर फेल्ट कि उसकी लाइफ में वो चीज़ कुछ उस चीज़ ने उसको होल्ड बैक किया हुआ है ऐसा कुछ. इन फैक्ट वो चीज़ पॉजिटिव फैक्टर ही रही. बट आई हैव हर्ड ऑफ पीपल जिनका इस वजह से कोई बीच में कोई ब्रेकअप हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो उस वजह से दे लॉस्ट देयर इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर सम टाइम एंड उसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए. बट मेन थिंग बींग इफ़ यू कैन डू दैट स्टेइंग and keep it still a little distant from your professional life as in your study, then I think it's fine. Like, it's not something that will definitely trouble you or harm you in some way. Physics ka le agar koi chapter electrostats to pehle to class notes se padhenge use. फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी. एक्स्ट्रा बुक तो मैंने करी नहीं थी फिजिक्स की कोई. मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स में एनसीईआरटी थोड़ी बाद में करने का. हाँ जैसे तूने भी मॉड्यूल करने के बाद प्लेस करी ना बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं. मतलब मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद की थी एक्चुअली एनसीईआरटी. स्पेशली 11th की एनसीआरटी पहले समझ नहीं आती है. ठीक है राइट राइट. उसके बाद एनसीआरटी बाद हाँ मैंने और एक्स्ट्रा बुक्स नहीं करी थी. अच्छा कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करी थी. ओके लाइक आई विल पिक अप जेनेटिक्स. मतलब मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है वो. मेरे को इवन 9th 10th में पहली बार पढ़ाते हैं मैं तभी काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था. तो वही है सबसे पहले तो काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है तो उसको थोड़ा बायो के रटने वाले चैप्टर्स की तरह मत अप्रोच करो. पहले उसको समझने की कोशिश करो. लोगों को लगता है इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा. रादर वो बाकी चैप्टर से काफ़ी सिंपल है तो उसको पहले क्लास में समझो देन उसको रीड करो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ. तो उसका काफ़ी पार्ट कवर हो जाता है उसमें. देन ठीक है जो मगिंग अप वाला पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा. तो आई थिंक फिजिक्स कवर हो गया बायोलॉजी कवर हो गया और केमिस्ट्री रह गया है. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री काइंड ऑफ फिजिक्स जैसी होगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काइंड ऑफ बायोलॉजी जैसी होगी. तो डिफरेंट जो रहेगी वो थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी. तो मैं कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पिकअप कर लेता हूँ. तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट शायद जो चैप्टर होता था वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता था ना. नहीं कार्बोनिल कंपाउंड्स. अच्छा हाँ कार्बन उसी में आता है वो. अच्छा जा फर्जी पढ़ाया था यार. तो वैसे हमने भी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में पढ़ा था बिकॉज हमने क्या किया था हमने पहले रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस.
तो उससे हमें सारे रिएक्शंस का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया था. उसके बाद हमने उसे उन रिएक्शंस के टाइप को बेसिकली उस चैप्टर में फिट कर दिया था कि जो सिमिलर मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हमने इन जनरल पहले पढ़ ली और फिर अलग अलग जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जैसे है तो फिर वो अलग अलग फिट कर लिया. तो हमने तो ऐसे किया था बट उसमें मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आप कोई और स्टडी मटेरियल पढ़िए एनसीईआरटी के अलावा जो भी आपके पास मॉड्यूल्स या नोट्स अवेलेबल हैं क्योंकि उसमें एक थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर में दिया होगा जिससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरे को पूरी चीज़ रटनी है. उसके बाद आप वो चीज़ एनसीईआरटी से पढ़िए ताकि एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ याद कर सकें क्योंकि जो अब अगले साल पेपर है वो एनटीए ने कंडक्ट कराना है सिमिलर टू जो इस साल का आया था वैसा सा आना है. तो उसके हिसाब से एनसीईआरटी को काफ़ी ज़्यादा वो वेटेज दे रहे हैं और एनसीईआरटी में जो डायरेक्ट चीज़ें दी हैं वही पूछ रहे हैं. तो उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और एनसीईआरटी को आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे ऑर्गेनिक में भी तो और स्पेशली जहाँ पे किसी ना किसी रिएक्शन का नाम दिया होता है ना जैसे कोई हंस डाइकर या ऐसा कुछ जो भी दिया हुआ है उन चीज़ों को अच्छे से आप इंपॉर्टेंट कर लो. और इसमें फिर एक चीज़ ये जो मैं करता होता था कि एक छोटी नोटबुक रखो उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लो. दूसरी चीज़ हाईलाइटर रखो जो जो चीज़ आपको जो लाइन बहुत अच्छी लगे उसको हाईलाइट कर लो. और तीसरी चीज़ ऑर्गेनिक के लिए जो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी मेरे को वो मैं एक चार्ट लेता था और उसके ऊपर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो आपस में किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होंगे किसी रिएक्शन से आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके वापस वही कंपाउंड बना सकते हो. तो वो फ्लो चार्ट अगर आपके मन में थोड़ा क्लियर होगा तो वो मैं चार्ट पे बना लेता होता था और वो चार्ट मैं अपनी दीवार पर लगा लेता होता था तो मेरे को बार बार वो दिखता रहता था सामने तो मेरे को थोड़ा वो याद भी होता रहता था इस तरीके से नाम लिख लिया रिएक्शन का ये सब. तो ऐसा कुछ आप करोगे जिससे आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए क्योंकि अदरवाइज ऑर्गेनिक रटनी थोड़ी मोनोटनस और अजीब सी है क्योंकि बायोलॉजी तो स्टोरी की तरह याद हो जाती है बट ऑर्गेनिक रटने में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है. वेल एक्चुअली आई थिंक कि हम तो क्या ही प्रिडिक्ट करेंगे कि होगा या नहीं राइज बट अगर मेरा ओपिनियन लो कि होना चाहिए या नहीं तो ऐसे कि हाँ होना चाहिए क्योंकि जो लास्ट ईयर वाला पेपर था उसमें वो नॉलेज तो टेस्ट कर नहीं रहा था. इट वॉज लाइक चार पांच कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं उससे सारे रैंक्स मूव हो गए तो इसके दिल का दर्द तो नहीं एक्चुअली मेरा तो ठीक ही था लक फैक्टर के चक्कर में सबकी परफॉर्मेंस उस पे बेस्ड हो जाती है उस टाइम कैसा परफॉर्म कर रहे हो एक्यूरेसी लाइक रिजल्ट बेस में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से आ गए थे कई जगह से. इस चक्कर में एम्स वाज लाइक ठीक है जिसका था कि नॉलेज पता था टीचर्स को भी इन बच्चों को है इनका एक्सपेक्टेड है मतलब इट वाज मोर और लेस कि एम्स टेस्ट करता आपको क्या आता है नीट इज लाइक आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो तो थोड़ा लेवल बढ़ा दो ताकि उसमें नॉलेज बेस्ड हो सकता है. बट मतलब वो बात उस चीज़ के लिए ठीक है जब मतलब जैसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न ये था कि एम्स के लिए अलग हो रहा है और बाकी कॉलेजेस के लिए अलग हो रहा है बट जब एक कॉमन लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो मतलब एक सिलेबस की बाउंड्री है वो एनसीईआरटी रहेगी. अब एनसीईआरटी में ज़्यादा घुमा फिरा के पूछने का स्कोप फिर मतलब अजीब सी बात है कि क्वेश्चंस अच्छे बना सकते हैं लाइक फिजिक्स हो गया. मैंने देखा नहीं है पर्सनली पेपर बट आई थिंक जो ओडिशा वालों का पेपर आया था वो थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट था मैंने सुना है आई एम नॉट श्योर वो तो मैंने भी नहीं देखा बट लाइक पुराने पेपर्स में 2016 के टाइम के जो पेपर्स थे दे वर प्रीटी गुड मतलब उनमें ऐसा लगता है कि वो टेस्ट कर रहे हैं नॉलेज को. बट मतलब मेरी मोर ऑर लेस प्रेडिक्शन यही होगी कि सिमिलर टू जो लास्ट ईयर आया था मतलब उससे शायद एक लेवल ऊपर आ जाए बिकॉज अब उन्हें एम्स और ट्रिपमर को भी उसके थ्रू ही करना है तो प्रॉबेबली वो थोड़ा सा उसको करेंगे. यार अगर दो पेपर होते हैं ना तो ऐसा होता है कि एक खराब हो गया तो दूसरा जैसे लास्ट ईयर मेरी 12,000 रैंक आई थी नीट में और एम्स में 2,000 कुछ थी तो मतलब अगर एक ही पेपर हो गया उस दिन बंदे का लग खराब 94 हाँ तो मैंने बीच के वाले गैप में बहुत पढ़ा था पिछले साल तो 12 से 2 हो गई थी वो. हाँ बहुत फर्क पड़ता है मतलब मतलब एक चांस तो होता है कि दूसरा चांस एक पेपर खराब हो जाता है और फिर प्रेशर भी बहुत बिल्डअप होगा कि पूरे साल पढ़ा और एक दिन में 3 घंटे में सब कुछ डिसाइड हो रहा है तो इसमें तो मतलब बेसिकली जो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके उन पर कॉन्फिडेंस रख के आंसर दे देगा वो गेम जीत जाएगा. ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू मी कि आई थिंक एक फ्रेंड इज़ नॉट समवन जिसके साथ तुम सारा टाइम रहो या तुम उसके साथ रोज़ बात करो. आई थिंक इट्स समवन जिसके साथ तुम कुछ भी बात कर सकते हो एंड इट्स अबाउट कि
they'll not judge you and you trust them completely. And it's like, yeah, tum bhi unki help karne ko kabhi bhi ready hoge aur wo bhi honge. I think that's a true friend. I would say understanding sabse zaruri hai. Matlab, my best friend is Nisha, so I would like to take her name here. So, matlab, she understands everything. Matlab, bina bole bhi wo sab samajhti hai mere andar kya chal raha hai. And she gives the reactions, so understanding sabse zaruri hai. I think main to kisi bhi friendship mein wo friendship kitni fun hai us cheez ko zyada value karta hu. Fun ho gaya to fir kya hoga uska? Matlab naya friend na. अरे मतलब ये कह रहा हूँ कि इनिशियल पार्ट ऑफ बॉन्डिंग में वो फन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्रस्ट, लॉयल्टी, वो सब चीजें ठीक है, फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हाँ, इवेंचुअली इवॉल्व होता है ना फ्रेंडशिप, ऐसे डायनामिक है ना. इशिका नर्डी नर्डी. मेघा स्वीट. ओके, थैंक यू. नहीं तो मेरे को तो डिस्क्राइब करना. ये पब्लिक है यार, क्या है ये? मैं कहता हूँ मेरा ड्रिंकस्टर क्या? तू कर ले यार. प्रैक्टिकल मैं हाँ, और इसके लिए क्या किया था? स्वीट. तो मैं तुम लोगों के आंसर यूज कर लेता ना, मेघा स्वीट, इशिका नर्डी. वो प्लेजरिस्ट, हार्ड वेरी प्लेजरिस्ट. फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी किसी जमाने में. तो उससे क्या हुआ? हाँ तो बहुत कुछ हुआ उससे. ओ हाँ, वो गलती थी, बस हो गया. अब तुम बताओ. मैंने कभी, कई बार होता है कि आउटबर्स्ट में किसी को कुछ बोल देती हूँ मैं जो रिग्रेट होता है. कई बार अपनी मम्मी को ही लाइक गुस्सा आ रहा है, कुछ बोल दिया तो फिर उसके बाद काफ़ी बुरा लगता है कि ऐसा क्यों किया. हाँ, ऐसे डे टू डे लाइफ में ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि ऐसे किसी को कुछ सुना दिया. एक दो चीज़ें मैंने ये किया, मैंने बीच में ऐसे टेंथ में थोड़ा बहुत लोगों को कट ऑफ सा कर दिया था, तो मेरे को उससे ये लगा कि मतलब ऐसे थोड़ा कुछ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए ऐसा कुछ. तो फिर उससे मेरे को ये हुआ कि कुछ मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी वीक हुई, बट उसकी कॉस्ट पर कुछ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग भी हुई. तो ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ रिग्रेट नहीं है, बट एक कुछ चीज़ थी. चैतन्य. चैतन्य. इशिका. नहीं यार, मैं हर चीज़ में समझ रहा हूँ. मैं ही हूँ. मेघा. मेघा जीत गए. ये तो क्रेजी हूँ. जीत गया. Definitely possible. अगर basics हैं तो और mindset अब बना लो तो काफी ठीक हो सकता है. Possible in 4 months का ये मतलब नहीं कि तुम जैसे अब सोच लो कि अब नीट दे देते हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो. हाँ, अगर बेसिक्स ठीक है तो उस पर बिल्डअप अप हो सकता है, ऐसा नहीं. 11-12 डिसेंटली पढ़ी है. हाँ. चाहे बिना कोचिंग के या बिना किसी और चीज के, उस नॉर्मल स्कूल अटेंड किया है, पेपर दिए हैं 11-12 के, तो आई थिंक इतनी बेसिक नॉलेज है कि और अगर आप लग जाओ, जी जान से लग जाओ तो बिल्कुल लग जाएगा. एक दो दिन में पूरा कोर्स हो जाता है तो फिर कर सकते हैं. हाँ भाई, बहुत टाइम है अगर आप उसको 4 महीने बहुत होते हैं डिवोट करो. हाँ, एंड बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत मुश्किल पेपर आ गया है. जैसे हम पहले पैटर्न सोच रहे थे, तो अगर डिफिकल्टी लेवल भी वो रहे तो बहुत बढ़िया. सो दिस इज द राउंड टेबल विद इशिका, मी दैट इज चैतन्य, एंड हर मेघा, and there'll be a lot more episodes in different combinations of IMSorian, so do subscribe to this channel. So all the best. Yaad rakhna, NEET is just an exam. Do your best in it and tension mat lena, acha hoga sab. All the best. Bye. Bye.